जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 26 सब मेजर इकोसिस्टम्स के बारे में, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में। और आज के इस क्लास में बात होगी आपसे एक्सरसाइज में मौजूद तमाम क्वेश्चंस की, जिनमें आप फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके अलावा ट्रू फॉल्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो मजीद वीडियोस के लिए अगर आप कोई और वीडियो देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं, वट एवर द वीडियो यू वांट आप देख सकते हो। पास्ट पेपर से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। सो लेट्स मूव टूवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, फिलिंग द ब्लैंक्स में। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज़ वाटर इज़ स्लोअर टू हीट एंड डैश देन एयर। ओके, सो व्हाट डू यू गेट द आंसर? So heavier is going to be the answer. Heavier होता है water, जो उसका हम निकालेंगे ना 18 molar mass निकलेगा, तो बल्कि मैं heavier लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पे मुझे lighter लिखना चाहिए। ये पानी का जो वजन है that is something like 18 amu एक molecule का, और हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनका वज़न समथिंग लाइक 28 amu पर मॉलिक्यूल, और इसका 32 amu पर मॉलिक्यूल। तो इसी लिहाज से मैं कहूँगा लाइटर देन एयर। एंड लाइटर देन एयर क्यों? क्योंकि पानी फ़िलहाल आपको पता है लाइटर देन एयर है, तो बुखारात बन के ऊपर चला जाता है ना, बादल बन जाता है, डेंसिटी भी किसी हद तक कम हो जाती है इसकी, तो दैट्स वाई। यानी वाटर अगर गैसेस फॉर्म में आता है तो इट्स रियली गोज़ अप लाइक अ स्मोक। ओके, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड ऑन एक्सेस टू डैश एंड टू प्लेस फॉर द अटैचमेंट। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सेस टू न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट, एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू, ओके, इसमें आप आई थिंक सो लाइट लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड ऑन एक्सेस टू लाइट एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट। स्टूडेंट्स, लाइट तो लेक्स में हर जगह अवेलेबल होती है, न्यूट्रिएंट्स को ही मैं फेवर दूंगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हर जगह अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं होते, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड अपॉन द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इकोसिस्टम ऑन लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज डैश इकोसिस्टम। डेफिनेटली जो लैंड की इकोसिस्टम है इसको आप लिथोसफेयर कह दो या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम को, तो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम एक अच्छा लफ्ज है। उसके बाद लास्ट में है इकोसिस्टम इन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश इकोसिस्टम। तो वाटर में जो है आपको इक्वेटिक या हाइड्रोस्फेरिक मिलेगा, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, के बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ देख लेते हैं। सो द सॉयल और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हैव सम अडेप्टेशंस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें हम आंसर को कंसिडर करेंगे वो होगा ए, बिकॉज सपोर्टिंग टिश्यूज जो होते हैं वही जो है कह लें कि हेल्प करते हैं। सो सॉइल और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैव सम अडेप्टेशंस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट इज सपोर्टिंग टिश्यूज। रिटेंशन ऑफ फूड एंड टेम्परेचर न्यूट्रिएंट्स इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। मोस्ट प्लांट्स फिट ओनली इन टू अ फ्यू इकोसिस्टम, विच टाइप ऑफ प्लांट सीम टू फिट इन टू इकोसिस्टम ऑफ ग्रास लैंड? ग्रास लैंड में कौन से कंसिडर किए जाएंगे? आई थिंक सो दे आर द पेरिनियल हर्ब्स जो ग्रास लैंड में फिट होंगे। उसके बाद है जी विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन टू सॉइल? और थर्ड में जो है हम आंसर लेंगे डी को, बिकॉज डी जो हो डेजर्ट्स हैं, आप कह लो कि ये एक ऐसा टाइप ऑफ इकोसिस्टम है जहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होते हैं सॉइल के अंदर। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, व्हाट बायोम हैज़ द रिचेस्ट सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर? तो इसमें स्टूडेंट्स हम जो फोर्थ वन है इसको ए कंसिडर करेंगे,
क्योंकि ए में जो है दैट इज़ डेसीडियस फॉरेस्ट आ जाते हैं, और यही ऐसा बायोम है जहाँ पे रिचेस्ट सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड भी बन जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट MCQ, विच ऑफ द बायोम्स हैज़ बीन इंक्रीज इन एरिया बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कौन से बायोम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? तो डेजर्ट्स ऐसे बायोम्स हैं जो बढ़ रहे हैं। ग्रास लैंड्स तो आप बना नहीं रहे हो, सवाना कॉनिफर्स भी नहीं, तो डेजर्ट्स बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ आंसर्स। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको इस चैप्टर के मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नोट्स भी आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ से फॉलो करें। और बहुत सी एजुकेशनल वीडियोस जिनमें पास्ट पेपर्स भी शामिल हैं और चैप्टर वाइज पास्ट पेपर शामिल हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक दे दीजिए जाते हुए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।